हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन मटेरियल बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस सेमेस्टर नंबर 3। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कसिंग अबाउट बेसिक यूनिट, बेसिक कन्वर्जेशंस ऑफ यूनिट, ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट एंड एफपीएस यूनिट, ओके। सो एंड ऑल्सो वी सी द डायमेंशंस, डायमेंशनलेस यूनिट्स, फिर डिराइव्ड यूनिट क्या क्या है वो सब हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सो आज का हमारा सेकंड चैप्टर है, दैट इज बेसिक केमिकल कैलकुलेशन, यूनिट नंबर 2 इन योर सिलेबस, बेसिक केमिकल रिएक्शन। सो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे बेसिक फंडामेंट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज एटम, एटम क्या है, व्हाट इज एटॉमिक वेट, व्हाट इज मोलिकुलर वेट, व्हाट इज ग्राम एटम, व्हाट इज मोलारिटी, व्हाट इज नॉर्मालिटी। तो ये सब बेसिक फंडा है, तो वो हम फंडामेंट्स है, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। ऑल्सो वी आर सीइंग इन दिस चैप्टर वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस लॉ, डाल्टन्स लॉ, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। सो दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फर्दर सेमेस्टर्स, ओके। सो लेट वी स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक इज एटॉमिक वेट, ओके। सो बेसिक डेफिनेशंस आर एटॉमिक वेट। सो एटॉमिक वेट, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्केल दैट असाइन कार्बन अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12। दैट मीन्स एटॉमिक वेट क्या होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट है लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से पर्टिकुलरली एटॉमिक वेट फिक्स है। जैसे कि कार्बन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, तो उसका डबल क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। जैसे कि ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसका एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, दैट इज 16, ओके। ठीक है, जैसे सल्फर का 32 है तो वो क्या हो जाएगा, सल्फर का 16 है, 16 है तो उसका क्या हो जाएगा, 32। सो एटॉमिक वेट, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ द एटम, ओके, मास ऑफ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्केल दैट असाइन कार्बन अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का क्या है, 1 है एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक वेट भी। देन आफ्टर कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का क्या होगा, 16 होगा, देन सल्फर का क्या होगा, 32 होगा, ओके। नेक्स्ट मोलेक्युलर वेट, सिमिलर टू हमने क्या देखा था, एटॉमिक वेट, तो सिंपल उसके बाद है मोलेक्युलर वेट। सो इन द मोलेक्युलर वेट, द मोलेक्युलर वेट ऑफ अ कंपाउंड इज द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ एटम्स दैट कंस्टिट्यूट अ मोलेक्यूल ऑफ द कंपाउंड। सो वंस अगेन आई रिपीट, मोलिकुलर वेट क्या होता है कि जो एटॉमिक वेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोलिक्यूल, तो उसके अंदर मोर देन एक से ज़्यादा एटम्स अगर वो मिलके एक कोई भी कंपाउंड बनाए, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन मिलके कोई एक कंपाउंड बनाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोलिक्यूल बोलेंगे, पूरा मोलिक्यूल्स है। तो उसके अंदर क्या होता है कि व्हाट इज मोलिकुलर, अभी व्हाट इज मोलिकुलर वेट, तो ये सब मोलिक्यूल्स सब ऐड होके एक मोलिकुलर बनाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, तो ये सब का एडिशन, इसे क्या बोलेंगे, मोलिकुलर वेट। सो बेसिस ऑन द एटॉमिक वेट, द मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर वेट ऑफ अ कंपाउंड, तो द इज द सम ऑफ द एटॉमिक वेट, तो ये सबका एटॉमिक वेट है, उस सबका क्या करना है, सम करना है। सो ऑफ द एटम्स दैट कंस्टिट्यूएंट्स अ मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ओके।
फॉर एग्जाम्पल लाइक H2SO4 है तो उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट. जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन कौन से एटम्स है, जैसे कि हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, 1 है. सल्फर का क्या है, दैट इज 32. और ऑक्सीजन क्या क्या है, 16 है, ठीक है. सो लेट वी हैव कैलकुलेट दैट एच टू हाइड्रोजन का क्या होगा, एटॉमिक वेट 1 है मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, प्लस क्या है, दैट इज द सम ऑफ एटॉमिक वेट. तो ये सबका कम हमें क्या करना है, एडिशन करना है. सल्फर, सल्फर सिंगल कंपाउंड है तो सल्फर का प्लस करके क्या हो जाएगा, 32 होगा. देन आफ्टर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक वेट, दैट इज 16 बट मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 एटम्स है तो 4 × 16, सो लेट वी कैलकुलेट देम, सो इट इज अप टू 98, ओके. सो मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 दैट इज कितना हो जाएगा, 98, ओके. सो ये टर्म था मोलिकुलर वेट. थर्ड, ग्राम एटम. व्हाट इज ग्राम एटम, इट इज डिफाइंड एज द मास इन द ग्राम ऑफ एलिमेंट विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट. ग्राम एटम, उसका मतलब ये होता है कि इट इज डिफाइंड बाय द मास इन अ ग्राम. किसी भी एटम्स का वेट है वो किस में होना चाहिए, मास, किसी भी एटम का मास है दैट इज कंसिडर इन अ वेट. मान लीजिए कार्बन है तो उसका मास हमें किस में कैलकुलेट करना है, वेट में, ठीक है. और उसका उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, उसके एटॉमिक वेट से. जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का वेट और डिवाइड बाय उसका कार्बन का एटॉमिक वेट. सो लेट वी कैलकुलेट देम. सो ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटम हमें कैलकुलेट करना है. सो ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू वेट इन अ ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट. मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन एटम का हमें क्या करना है, ग्राम एटम फाइंड करना है, एटम, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन एटम्स ऑफ एलिमेंट, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू वेट इन अ वेट ऑफ कार्बन इन अ ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन. तो यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, आपको उसका वेट दिया होगा और उसे हमें किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक वेट. तो एटॉमिक वेट कार्बन का क्या है, दैट इज 12. सो दिस फंडामेंट वी क्लियर इन न्यूमेरिकल. सो ग्राम एटम इज डिफाइंड एज द मास इन अ ग्राम ऑफ एलिमेंट विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट. सिंपल, ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट ए, किसी भी पर्टिकुलर किसका करना है हमें, एटम का करना है. जैसे कि कार्बन का, ये क्या है, कोई पर्टिकुलर एटम का नहीं है, सबका है. सो ये क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट ए का है. तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कार्बन का, सो ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ ए डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ ए, ओके. तो सिमिलर टू वी कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलर टू किलोग्राम एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि ग्राम एटम है तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, किलोग्राम एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जी भी रीते ग्राम एटम ने अंदर वजन छे बराबर, तो ए सेमा लेवानू होय छे, ग्राम मा लेवानू होय छे. तो सिमिलर टू जारे किलोग्राम ने अंदर गणतरी करवानी होय छे त्यारे एनु वजन सेमा लेवानू होय छे, किलोग्राम ने अंदर, ओके. तो किलोग्राम ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ए, जेवी रीते ग्राम एटम हता एवी रीते किलोग्राम एटम, तो किलोग्राम ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ए बराबर वेट इन किलोग्राम ऑफ ए. हवे अहीं वजन सेमा लेवानू छे एटमनू, जे पण एलिमेंट आप्युं छे एनू वजन आपणे लेवानू छे किलोग्राममां, અને એને ડિવાઈડ કરવાનું છે સિમિલર ટુ એટોમિક વેટ ઓફ એ વડે. એનું જે એટોમિક વેટ છે એના વડે શું કરવાનું, એને ડિવાઈડ કરવાનું. એન્ડ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન ઇઝ મોલ. વોટ ઇઝ મોલ? સો મોલ ઇઝ ડિફાઈન્ડ એઝ અમાઉન્ટ ઓફ સબસ્ટન્સ ઇક્વલ ટુ ઇટ્સ મોલેક્યુલર વેટ. जो भी सब्सटेंस है उसका एटॉमिक वेट अमाउंट ऑफ
substance equal to its molecular weight, it's called mole. ओके, वन मोल के, मोल किसे हम बोलते हैं, मोल, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स मोलिकुलर वेट. तो इसके मोलिकुलर वेट के इक्वल होगा सब्सटेंस, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोल. सो वी नो दैट वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23. सिमिलर टू ग्राम मोल, एक मोल था उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राम मोल. सो इट इज डिफाइंड एज द मास इन अ ग्राम, इट इज डिफाइंड एज द मास इन अ ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू न्यूमेरिकली टू इट्स मोलिकुलर वेट. जहां पे, यहाँ पे क्या था, मोल के अंदर, मोल और ग्राम मोल के अंदर क्या है, इसके अंदर जो अमाउंट है वो किसी भी ग्राम या किलोग्राम में भी हो सकता है, बट यहाँ पे स्पेसिफाइड क्या किया है, दैट वी हैव टू कंसिडर ग्राम. ओके, इट इज डिफाइन एज द मास इन अ ग्राम, जो मास है उसका हमें किसमें कंसिडर करना है, ग्राम में. सो द मास इन द ग्राम ऑफ सब्सटेंस दैट इज इक्वली इक्वल न्यूमेरिकली टू इट्स मोलिकुलर वेट. ओके, तो सब्सटेंस का मास इज इक्वल टू इट्स मोलिकुलर वेट. सो फॉर एग्जाम्पल दैट ग्राम मोल्स ऑफ कंपाउंड बी, ग्राम मोल्स ऑफ कंपाउंड बी, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ कंपाउंड, एनी कंपाउंड. सो एनी कंपाउंड लाइक बी, सो ग्राम मोल्स ऑफ कंपाउंड बी, ओके, इक्वल टू वेट इन अ ग्राम ऑफ बी डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ बी. सो इन सिंपल वे मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट, ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट. ग्राम मोल्स ऑफ कंपाउंड बी दैट इक्वल टू वेट इन ग्राम्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ बी. इन सिंपल वे मोल बराबर वजन ना छेद में अणुभार. ओके, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ केमिकल कंपाउंड. इसे किस लिए यूज करते हैं, सिंपली वी आर यूजिंग फॉर द अमाउंट ऑफ केमिकल कंपाउंड. ओके, सिमिलर टू केजी मोल्स, जैसे यहाँ पे ग्राम मोल थे, तो जब रीते ग्राम मोल ने फाइंड करवाना हो, रीते किलोग्राम मोल फाइंड करवाना, तो किलोग्राम मोल्स ऑफ कंपाउंड बी इक्वल टू शू थी जैसे वेट इन किलोग्राम ऑफ बी डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ बी. ओके, सो आ थी जैसे तुम्हारे किलो मोल्स. ओके, ग्राम मोल्स अने किलोग्राम्स मोल्स कोई वार एक्जाम्पल अंदर तमारे फाइंड करवानु होय छे ग्राम मोल नी अंदर, अने कोई वार फाइंड करवानु होय छे किलोग्राम नी अंदर. तो जारे किलोग्राम नी अंदर फाइंड करवानु होय छे त्यारे एटम सब्सटेंस नू वेट त्यारे आपणे शू कंसिडर करवानु होय छे, किलोग्राम नी अंदर. ओके, सो सिमिलर टू किलोग्राम्स मोल पण आ ज थशे. सो लेट वी सी फर्स्ट एक्जाम्पल, कैलक्युलेट द किलोग्राम एटम्स ऑफ कार्बन विच वेट इज 36. ओके, सो एक्जाम्पल जोईए आपणे શું કરવાનું છે, કાર્બન અણુનું વજન આપણે કિલોગ્રામમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. બરાબર, તો આપણે એટમવાળું એક સમીકરણ જોયું હતું, બરાબર, ઇક્વેશન જોયું હતું. સો લેટ વી સ્ટાર્ટ. તો વો ક્યાં થા, કિલો એટમ ઓફ કાર્બન, યહાં પે કોન સા હૈ એલિમેન્ટ હમારા, કાર્બન હૈ, તો હમે ક્યા ફાઇન્ડ કરના હૈ, हमें फाइंड करना है उसका किलोग्राम एटम फाइंड करना है, किलोग्राम एटम. तो किलोग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या था उसका इक्वेशन, वेट इन केजी ऑफ कार्बन डिवाइड बाय, उसका वेट करना है केजी के अंदर, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक ऑफ कार्बन. ओके, सो किलोग्राम ऑफ एटम हमें फाइंड करना है, तो उसका वेट हमें किसके अंदर लेना है, केजी के अंदर. तो उसका केजी के अंदर वेट क्या है उसका, केजी हमें फाइंड करना है. सो वेट इन किलोग्राम ऑफ कार्बन हमें क्या दिया है, दैट इज वेट, तो वो क्या दिया है, 36. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 वेट. और एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन का क्या है, एटॉमिक वेट,
तो वो क्या है, दैट इज 12. सो 12, 36 डिवाइड बाय 12, सो 12 थ्री जा 36, सो रिमेनिंग आंसर इज 3. सो किलो एटम ऑफ कार्बन ओके इन 36 केजी इज 3. ओके,